अगली खबर में बात करते हैं गया की, जहां युवती को चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। मामला इमामगंज थाना क्षेत्र का है, जहां युवती अपने ननिहाल में रहकर पढ़ाई करती थी। घात लगाए अपराधियों ने बेरहमी से घटना को अंजाम दिया है। तेजाब डालते हुए चाकू से गोदकर घटना को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उसके शरीर पर तेजाब भी डाला गया था। रविवार को उसका शव बधार में देखा गया है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घंटों तक सबको शिनाख्त की गई तो यूपी की रहने वाली छात्रा का पता चला। इमामगंज थाना क्षेत्र बधार से रविवार को शव पुलिस ने बरामद किया, जिसके गले में चाकू घोपा हुआ था। शव बरामद करने के बाद पुलिस ने काफी मशक्कत से मृतक की पहचान की है। पहचान में पता चला है कि वो इमामगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में रहकर हाई स्कूल की पढ़ाई कर रही थी, जिसे पहले अगवा किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। स्कूल जाने के लिए छात्रा निकली थी। इस संबंध में मृतक के ममेरे भाई रंजीत ने बताया कि छात्रा यूपी के फैजाबाद की रहने वाली थी। वह गया में अपने ननिहाल में रहकर पढ़ाई करती थी और हाई स्कूल में वह 12वीं की छात्रा थी। उन्होंने बताया कि वह किसी काम से स्कूल जाने के लिए निकली थी। इसी क्रम में वाहन सवार अपराधियों ने उसे अगवा कर लिया और तेजाब छिड़क कर चाकू से हमला करते हुए हत्या कर दी। हत्या करने के बाद सबको गांव के ही बधार में फेंक दिया। बताया जाता है कि यह घटना एक तरफा प्रेम प्रसंग में घटित हुई लग रही है। तेजाब छिड़क कर और चाकू से प्रहार कर उसकी हत्या की गई है। पुलिस प्रशासन से हमारी मांग है कि अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए और उन्हें फांसी की सजा दी जाए। वहीं समाज सेवी रवि बर्नवाल उर्फ गुड्डू बर्नवाल ने मृतक के परिवार वालों को न्याय दिलाने के लिए, गुड्डू बर्नवाल ने कहा कि यदि गया की लाइन एंड ऑर्डर का सही तरीके से पुलिस प्रशासन अपने कर्तव्य का पालन करती है तो कभी भी क्राइम नहीं होगा, नहीं ऐसे ही निर्मम हत्याएं या पुलिस की ड्यूटीज में लापरवाही के कारण होती हैं और अपराधी घटना को अंजाम देते रहते हैं, जिससे लोगों को न्याय मिलने से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये शनिवार को सुबह 10-11 बजे लगभग हाई स्कूल जा रही थी, ये पंजीयन रसीद लाने के लिए 10+2 का लड़की थी। और मैंने 10-11 बजे जाने के क्रम में कोई 4-5 की संख्या में बोलेरो से या फोर व्हीलर से उठा करके जबरन गाड़ी में बैठा करके ले गया। और हम लोग तो खोजबीन करते रहे, शाम तक खोजबीन किए, सुबह भी खोजबीन किए, नहीं पता चला। तो हम लोग मतलब थाना में आवेदन दिए। कौन सा थाना में? इमामगंज थाना में। मेरा घर कुजेसर पड़ता है, मेरा रनिंग कुजेसर, मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ। और ये जब थाना में आवेदन दे करके घर पर हम लोग आए तो 3 बजे फ़ोन आया कि कपड़ा को पहचान करते हैं, पहचानते हैं कपड़ा, कौन कपड़ा कैसा पहन के गए। मैंने थाना से फ़ोन आया तो हम लोग बोले कि से नहीं सर, से नहीं देखे थे हम लोग कपड़ा। तो फिर कोई अगल बगल से पूछे तो लोग बोली, लड़की लोग बोली, दोस्त लोग उसका, कि से चॉकलेट कलर का नीचे था, ऊपर में ब्लैक था, पजामा किस तरह से पहन गई थी से नहीं पता था। तो उसके बाद हम लोग मैंने लगा कि मैंने बड़ा बाबू बोले कि से काला पजामा पहन के आई, काला पजामा है। तो हमको लगा कि मैंने कोई लड़की उड़की पकड़ के लाए होंगे। तो भाई को भेजे, इमामगंज में मोबाइल दुकान है, मैंने उसी के आसपास में, थाना के आसपास में, तो वहाँ भेजे, तो वहाँ नहीं कुछ मैंने उसको समझ में आया। उसके बाद शाम के 6 बजे वीडियो आया, तो वीडियो से भी हमको लोग नहीं पहचान लगे, पहचान सके। फिर उसके बाद फोटो आया, फोटो से पहचाने, उसके बाद भाई लोग के भेजे। हम लोग चूँकि मैंने 20 किलोमीटर दूरी पर प्रतापपुर रहते हैं झारखंड में, तो वहाँ से फिर हम लोग रात में फिर आए, तो फिर थाना में गए। थाना में जाते जाते वहाँ से मैंने लाश को यहाँ मैंने भेज दिया गया अज्ञात मैंने लेकर के। उसके बाद फिर हम लोग सुबह में आए पोस्टमार्टम के लिए। और ऐसा ऐसा घटना मैंने आए दिन होते रहता है। एक थोड़ा 3-4 साल पहले मेरा ही गांव के इसी तरह से घटना घटा, लेकिन उसको बेहोश लोग करके छोड़ दिया पहाड़ पर ले जा करके, लॉन्ग तरी पहाड़ पर। तो वहाँ लगा कि मैंने उसको लगा कि मर गया, लड़की मर गई। इसके बाद उन लोग को छोड़ के भाग गया, गाँव वाला पकड़ के लाया, लड़की को उठा के लाया लोग। तो उसको किसी पर शक है? जी नहीं, किसी पर शक अभी नहीं। हमको अभी अभी मैंने फोटो वोटो भी कुछ मिला है? फोटो एक कॉपी में उसको मिला है, अब उस फोटो से चिन्हित किया जाए और हम लोग को न्याय चाहिए। किसका है? वो फोटो उस पर नहीं पता है, लेकिन उसको कॉपी में SS लिखा हुआ है, शंकर नाम का लड़का है, जो मैंने इस तरह से मैंने उम्मीद जता रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? हम लोग को न्याय चाहिए, उस लड़का को मैंने इस तरह से न्याय मिलेगा हम लोग के, या फिर उसको फांसी की सजा मिले, या कुछ ऐसा मिले कि उसको जीना धरती पर उचित नहीं समझते हैं। चूंकि करने वाले लोगों को मनो सजा मिलना चाहिए आने वाला समय ऐसा में, ऐसा नहीं सजा मिले कि दूसरा का भी मनो हिम्मत ना पड़े, हिम्मत ना पड़े कि हम ऐसा मैंने कर रहे हैं। जी मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ। लड़की की क्या? लड़की मेरी बहन लगी, तो फेरी बहन लगी। देखिए घटना जो है पूरे समाज को है ना संसार कर देता है और भयभीत भी कर देता है।
क्योंकि हर अभिभावक के घर में एक बच्ची जिसका उम्र 12 बरस 14 बरस 16 बरस होता है। एसएसपी महोदया, इस केस को व्यक्तिगत आप अपने तरीके से देखिए। ठीक है, पितृपक्ष आ रहा है, आपकी व्यस्तता ज़्यादा होगी, लेकिन आप आईपीएस हैं, समझे, इस केस को व्यक्तिगत देखिए। क्योंकि थाना तो जितना भी थाना है सब मर चुका है। आज जितने भी दरोगा सभी के अगर संपत्ति की जांच करा दी जाए तो ऐसे ही कांडों को लिपापोती कर करके बड़े बड़े मकानों को बना लिया इन्होंने, बड़े बड़े मकान बना लिए। समझे, आज ये लक्ष्मण साहू जी की बच्ची है पूनम कुमारी, बताइए कितना बेदर्दी से मारा है, चाकू उसके गर्दन में घुपा हुआ है, तेजाब से उसको जलाया गया है जिंदा, समझे। और अगर ऐसी घटना एक डेढ़ महीना पहले आप ही लोग मीडिया के माध्यम से जब बात उछाला गया, अखिलेश यादव का था बागमारा इमामगंज का, बच्ची को साथ पेट्रोल जला करके किया गया था, उसमें भी पूरा अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सका। तो जब तक सजा इसमें नहीं बनेगा, सभी को जितने देशवासी हैं, आपको याद होगा कि हैदराबाद में इसी तरह के दुष्कर्म पर इनकाउंटर कर दी थी पुलिस, वो भी एक अपराध था संवैधानिक तरीके से, लेकिन पूरा देश के अभिभावक खुश हो गए थे। अब स्थिति यह बन गई है कि अब अभी अभिभावक को भी क्या ये सब खेल खेलना पड़ेगा, असंवैधानिक काम डिसीजन लेना होगा, कब रुकेगा ये सब। जब तक सब नहीं जागिएगा, जब तक नहीं होगा, अगर इसके लिए धरना देना पड़ेगा तो धरना भी हम लोग देंगे। 7 तारीख को हम लोग, परसों जो है जिला अधिकारी को चिट्ठी देकर के 7 को हम लोग धरना पर। क्या लगता है आपको, प्रथम द्वितीय में पुलिस ड्यूटी नहीं करती है, सिर्फ थाना पूर्ति करती है? अगर देखिए, पुलिस ड्यूटी का अगर भय, अगर ड्यूटी करेगी ना पुलिस तो भय हो, भय व्यापेगा, और ऐसे लोगों का कम से कम भय अगर पैदा होगा तो इन घटनाओं को देने में डरेंगे सब, मतलब क्राइम रुकेगा, क्राइम एकदम अपरूपी रुकेगा, प्रशासन का भय ही नहीं रहा, कहीं पर कोई भय नहीं। रवि कुमार और गुड्डू वरुणवा, हमें क्या दिखता है? कल देखिए, हमारे थाना क्षेत्र में इमामगंज में बगिया से थोड़ा सा बगिया गांव के आसपास मझियावा मौजा है, वहाँ आहार के पास एक लोगों के, स्थानीय लोगों के द्वारा देखा गया डेड बॉडी आहार में, तो हम लोग को सूचना मिला, तो हम लोग जांच करने गए वहाँ, तो वहाँ बहुत लोग ढूंढे थे वहाँ आसपास, पहचान कराए, लेकिन उस समय कोई पहचान सबका नहीं किया गया। उस समय हम लोग अज्ञात बना करके इंक्वेस्ट कर करके और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। उसके बाद उसका कुछ चप्पल शायद वहाँ था तो हम लोग लाए थे, और चप्पल का परिजन द्वारा पहचान करने से पाया गया कि उस महिला जो है मेरे ही थाना क्षेत्र में नानी के यहाँ पढ़ रही थी, तो उसकी पहचान हो गई है। अब उसके अनुसार हम लोग आए, हम पिटीशन देते हैं आगे की कार्रवाई के लिए आए। मृतक के परिजन के द्वारा सूचना पहले से नहीं दिया गया था? मृतक के परिजन द्वारा कल ही इस मैटर में सूचना मिला था, करीब हमको लगता है कि 1-2 घंटा पहले, कि 3 तारीख से शायद वो पढ़ने गई थी और वापस नहीं आई। कल ही हम लोग को 4 बजे शाम के करीब सूचना मिलता है कि एक डेड बॉडी पाया गया। हम लोग गए देखे तो हम लोग कोशिश किए पहचान करने का, लेकिन पानी में थोड़ा सही हो गया था जिसके चलते पहचान हम लोग से नहीं हो पाया। फिर ये लोग शाम को ही बुलाया गया शंका के आधार पर, तो उसका चप्पल था तो हम लोग लाए थे, तो चप्पल ही देख करके पहचान हुआ कि नहीं।